Hi, I'm Emmanuelle Vaugier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. In the real world, drive safe, obey the laws of the road, and always wear your seatbelt. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की या तो पूरी सीरीज देख ली होगी या फिर पूरा गेम ही कंप्लीट कर दिया होगा। लेकिन जब मैं वो गेम खेल रहा था तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यार हम लोग इस मोस्ट वांटेड के प्लॉट में पहुंचे कैसे। जब हम लोगों ने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का ये गेम शुरू किया था तभी डेवलपर्स ने हमें ऐसे ही अचानक से ये मोस्ट वांटेड की सिटी जिसका नाम है रॉकपोर्ट उसमें हमें स्पॉन करवा दिया और फिर हमें ये देखने मिला हमारी गाड़ी किसी ब्लैकलिस्ट ने एकदम धोखेबाजी करके चुरा ली है और उसके बाद हम लोगों ने 15 ब्लैकलिस्ट को डिफीट करके हमारी गाड़ी फिर से हासिल कर ली। लेकिन मेरा ये सवाल है कि यार हम लोग नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड तक पहुंचे कैसे। और अगर तुम लोगों ने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का एंडिंग का सीन देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि यार हम लोग एक ब्रिज से जंप लगा लेते हैं और वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। तो वो जंप लगाने के बाद आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर का क्या हुआ, क्योंकि यार यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। क्या नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड एंड था ये पूरे स्टोरी का? क्या हमारा मेन प्लेयर इस रॉकपोर्ट सिटी में घूमता रहा छुप छुप के और अपना गुजारा करता रहा? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे, लेकिन अभी मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ क्या वो कनेक्शन है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड और नीड फॉर स्पीड कार्बन के बीच। अगर ये दोनों गेम्स मोस्ट वांटेड और कार्बन का तुम्हें कनेक्शन समझ गया तो तुम्हें पूरी स्टोरी एकदम क्लियरली समझ जाएगी कि यार हम लोग मोस्ट वांटेड में आए कैसे, उसके पहले हम लोग कहाँ थे और उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए। तो अभी मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि यार नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड और नीड फॉर स्पीड कार्बन के बीच में क्या कनेक्शन है। तो तुम्हें ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि यार नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड में आने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर नीड फॉर स्पीड कार्बन में था। तो ये जो पूरा नीड फॉर स्पीड कार्बन है पैलमोंट सिटी में बेस्ड है और हमारा मेन कैरेक्टर भी पैलमोंट सिटी में एक स्ट्रीट रेसर हुआ करता था। लेकिन एक दिन हम लोग एक ऐसी रेस लड़ रहे थे हमारे 3 ओपोनेंट्स के साथ जिनका नाम है केंजी, एनजी और वुल्फ। और अगर हम लोग इस रेस को जीत जाते तो हम लोग को एक बहुत बड़ा कैश प्राइज मिलने वाला था। लेकिन रेस खत्म होती एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हम लोगों को पैलमोंट सिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। पैलमोंट सिटी को छोड़ते ही हम लोग आ गए रॉकपोर्ट सिटी में और यहाँ से शुरू होता है हमारा नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड। जैसे कि तुम्हें पता है हम लोगों ने मोस्ट वॉन्टेड में 15 ब्लैकलिस्ट को हराया और हमारी फेवरेट कार BMW को वापस लिया। तो नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड का पूरा गेम प्ले मैंने अपलोड कर दिया है, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो तुम लोग इस चीज को ऐसे समझो, नीड फॉर स्पीड कार्बन ब्रिज के दो एंड्स हैं और ये ब्रिज मोस्ट वॉन्टेड है। अगर तुम्हें नीड फॉर स्पीड कार्बन की पूरी स्टोरी को कनेक्ट करना है तो तुम्हें ये मोस्ट वॉन्टेड के ब्रिज से गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों ने मोस्ट वॉन्टेड का लास्ट सीन देखा रहेगा तो हम लोग एक ब्रिज से जंप मारते पुलिस से बचने के लिए, जैसे कि क्रॉस और पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लगी होती है तो हम लोग बिल्कुल भी रॉकपोर्ट सिटी में अभी नहीं रह सकते। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर फिर से आ जाता है पैलमोंट सिटी में और यहाँ से शुरू होती है NFS कार्बन की पूरी जर्नी। तुम लोग के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं और इस गेम का पहला झटका तुम्हें अभी फर्स्ट कट सीन में लग जाने वाला है। तो अगर तुम्हें मैं नीड फॉर स्पीड कार्बन की एक समरी दे दूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है हमारा ओपोनेंट और उसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। और जब एंड में हमें पता चलता है कि भाई ये बंदे ने ये सब किया है तो उस बंदे को हम लोग रेस में हरा देते हैं और नीड फॉर स्पीड कार्बन वही खत्म हो जाता है। तो ये थी बेसिक सी स्टोरी नीड फॉर स्पीड कार्बन की। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग इस गेम को शुरू करेंगे और देखते हैं हम लोग कितने सारे ओपोनेंट्स को धूल चटाने वाले हैं। ऑलराइट, तो बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नीड फॉर स्पीड कार्बन के फर्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस। तो यही है वो जगह जहां से सारी चीजें शुरू हुई थी। पैलमोंट सिटी और इनसे मिलिए, ये हमारी दोस्त निकी है। ये बंदे को तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। तुम लोग आगे चल के देख लेना क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। और ये तीन रेसर्स का नाम है एनजी, केंजी और वुल्फ।
तो ऑफिशियली इस गेम की स्टोरी तो शुरू हो चुकी है। अभी वो एक ऐसा सीन आने वाला है जहाँ पे सबसे बड़ा धोखा हो जाता है हमारे साथ। और वो सीन है ये। Look, between the heat and the cruise, you need to walk away. Take my car. Go. Get out of here. हम लोगों ने अभी नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारी पैलमोंट सिटी में। तुम लोगों ने पिछले कट सीन में ही देखा होगा, उसने बोला यार ये शहर से निकल जा, देखो पुलिस ढूंढ रही है। इसलिए हम लोग रेडवुड सिटी चले गए थे और वहाँ पे पूरा नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के इवेंट्स हुए। जैसे ही हम लोग अभी ये सिटी में आए तो तुम लोग देख लो हमारा पीछा कौन कर रहा है। क्रॉस, ये बंदे का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है क्योंकि मोस्ट वांटेड में इसको बहुत ट्रोल किया अपन ने और अभी हम लोग को हंट करने आया हुआ है। वेलकम एवरीबॉडी इस केओस भरे गेम में जिसका नाम है नीड फॉर स्पीड कार्बन। आते ही क्रॉस के साथ मुकाबला। मैं बोल रहा था ना तुम्हें कि कोई तो सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारा, जस्ट तुम लोग इंतज़ार करो। ये है वो सरप्राइज और हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारी BMW GTR में, M3 GTR, हमारी सबसे प्यारी कार, वन ऑफ द फास्टेस्ट कार ऑफ दिस गेम। और ये कार के पीछे मैंने पता नहीं कितने लोगों को हरा दिया है सिर्फ ये कार के लिए। Time to settle a little score from Rockport, you think? This bande ka naam Darius hai. I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. And this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? $150,000. David, take care of this guy. So, that's what you've been up to. Nikki, this should be interesting. मुझे पता है तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, दो मिनट रुक जाओ मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। I still don't know what happened that night you took off, but I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea? Then let's get him started, right away. Don't disappoint. Not again. ये कार मुझे चाहिए किसी भी हाल में। ए
Thanks for waiting up. Yeah, sure, Nikki. Hey, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if there's three, do I get one? I mean, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. I'm the monkey! Pick one. Let's get this over with. आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अभी तक की पूरी स्टोरी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जैसे ये गेम शुरू हुआ, हम लोगों ने देखा हम लोग हमारी सिटी पैलमोंट में थे, और सिटी में एंटर होते हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रेस में पार्टिसिपेट भी किया। उस रेस में हमारे ओपोनेंट्स का नाम था केंजी, एनजी और वुल्फ। तो इन तीनों जनों के साथ हमारी रेस तय हुई थी, और जो भी ये रेस को पहले खत्म करेगा उसको एक बहुत बड़ा हेवी कैश प्राइज मिलेगा। रेस तो बहुत ही सही थी, लेकिन जब ये रेस हम लोग खत्म करने वाले थे तभी हम लोगों ने देखा कि यार हमारे सारे ओपोनेंट्स की गाड़ियों को कुछ तो हो गया और वो अचानक से बंद पड़ गई, और फाइनली हम लोगों ने वो रेस जीत ली। लेकिन यहाँ पे मुश्किलों की तो बस शुरुआत हुई है। रेस खत्म होती अचानक से पीछे से बहुत सारी पुलिस आ गई और सारे लोगों को पकड़ने लगी जो ये रेस में थे। रेस के स्टार्टिंग में तुम लोगों ने वो लड़की देखी थी ना जिसका नाम है निकी, उसने हमारा पैसों से भरा हुआ बैग हमारे गाड़ी में फेंका और हम लोग वहां से निकल गए। लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस बैग को खोला उसमें पैसे के बजाय पेपर भरा हुआ था। मतलब एक बहुत ही एपिक लेवल वाला स्कैम हो गया अपने साथ। वहां पे रेस पे जितने भी बंदे थे उन सबको लग रहा है कि यार हमारे पास सारे पैसे हैं। रेस बिल्कुल भी फेयर नहीं थी, क्योंकि यार एंड में सारे लोगों की गाड़ी अचानक से खराब हो गई, और अभी उन सारों को ऐसे लग रहा है कि यार सारे पैसे मेरे पास हैं, बल्कि मेरे पास उस बैग में सिर्फ पेपर के टुकड़े थे। जिस किसी का भी ये प्लान है भाई, बहुत ही ज्यादा मास्टर माइंड है वो। उसके बाद मेरे को शायद डेरियस का फोन आया जो कि ये गेम का बॉस है, और उसने मुझे बोला कि यार ये शहर को छोड़ दे क्योंकि पूरी पुलिस मेरे को ढूंढ रही है। और फिर हम पैलमोंट सिटी को छोड़ के चले गए रेडवुड सिटी में, और वहां पे शुरू हुआ हमारा सफर नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का। अगर तुम लोगों ने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का एंडिंग देखा होगा तो वो गेम के एंडिंग में हम लोग एक ब्रिज से जंप मारते हैं और वो गेम खत्म हो जाता है। जैसे ही हम लोगों ने उस ब्रिज को क्रॉस किया, हम लोगों को ये पता था कि यार हम लोग अभी मोस्ट वांटेड के शहर में नहीं रह सकते। तो फिर हम फिर से चले आए हमारे घर पैलमोंट सिटी में, और यहाँ पे शुरू हुआ नीड फॉर स्पीड कार्बन। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने एंट्री ली, हम लोगों ने देखा कि यार क्रॉस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको मोस्ट वांटेड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा तंग किया था और भाई का ईगो हर्ट हो चुका था। क्रॉस ने हम लोगों को लिटरली पकड़ लिया था, लेकिन डेरियस वहां पे आ गया और उसने बोला कि भाई रहने दे, इसको छोड़ दे, अपना ही दोस्त है। और फाइनली हम लोग क्रॉस से तो बच गए। लेकिन भाई कोई भी तुम्हारी फ्री में मदद नहीं करेगा। डेरियस ने मुझे ये बोला कि यार अभी भाई मैं तुझे एक नई कार दूंगा, तू मेरे लिए इस पूरे पैलमोंट शहर के तीन एरियाज को जीतेगा, और ये तीनों एरियाज हमारे केंजी, एनजी और वुल्फ के हैं, तो हमें इन तीनों महारथियों को हरा के इनका एरिया हड़प लेना है, और ये सारा एरिया को जीत के हम लोगों को डेरियस को दे देना है ताकि हम लोग हमारा कर्जा चुकता कर पाए। और तुम लोगों को ये सवाल आ रहा रहेगा कि यार यहाँ पे सारे लोग इंक्लूडिंग निकी हमसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? क्योंकि यार उन सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो रेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में खेली थी एनजी, केंजी और वुल्फ के साथ, उसका सारा पैसा लेके मैं भाग गया और मैंने वो पूरा उड़ा दिया है। लेकिन तुम्हें सच्चाई तो पता है कि यार क्या हुआ था मेरे साथ, और अगर मैंने इन लोगों को सच्चाई बता भी दी तो कोई मेरे पे यकीन करेगा नहीं। तो अगर हमें ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें डेरियस की बात मान के उसको ये तीनों एरियाज जीत के दे देने पड़ेंगे। लेकिन आगे जाके तुम्हें एक बहुत मेजर सा झटका लग जाने वाला है जब तुम्हें एक ऐसा सच पता चलेगा कि भाई तुम लोग बोलोगे कि यार बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिया इस जालिम दुनिया ने मेरे साथ, अब मैं दिखाऊंगा कि यार मैं रियली मैं कौन हूँ। आई थिंक अभी तुम्हें पूरी तरह समझ आ चुका है कि यार मोस्ट वांटेड और कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे मिल रहे हैं। चलो मेरा काम तो हो गया, अभी हम लोग एक नई गाड़ी लेंगे और हमारा सफर शुरू करेंगे ये तीनों एरियाज को कैप्चर करने का। योर कार वॉज स्टोल्ड वाइल एस्केपिंग फ्रॉम क्रॉस। ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है यार, पहले इतनी मेहनत करो वो कार लेने के लिए और थोड़ी ही देर बाद तुमसे वो कार क्रॉस ले लेता है। तो डेरियस ने हमें तीन ऑप्शंस दिए हमारी फर्स्ट कार को चूज करने के लिए, और अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से ये कैमरो SS बेस्ट होगी, क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन बाकी दोनों से कम है, और एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम ये थोड़ी सी अच्छी भी दिख रही है और परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक ठाक है। तो अपन जाएंगे मसल के साथ हमारी फर्स्ट कार, ऑटोमेटिक ही रखेंगे, मैनुअल कंट्रोल्स मेरे को बिल्कुल नहीं आते। ऑलराइट बॉयज, हमारी फर्स्ट रेस Nikki, let's make this a bit more interesting. I've called in a couple of my friends who are going to race around the track with you.
प्लीज डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ। आते इस बंदी ने चैलेंजेस थ्रो करने शुरू कर दिए अपने पे। चलो लेट्स सी हमारी फर्स्ट रेस कैसे जाती है। आई डोंट नो कैसे होगा क्योंकि मेरे पास नाइट्रो नहीं है इस कार में, लिटरली एक डब्बा चला रहा हूँ मैं। बट यार मानना पड़ेगा, अगर तुम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड खेल के आ रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं है गेम। क्योंकि मोस्ट वांटेड भाई एक येलो टिंटेड सिटी थी, और उस सिटी में तुम यार बस गाड़ी भगा रहे थे अपनी गाड़ी को जीतने के लिए। और जैसे ही तुम इस सिटी में ट्रांजिशन करोगे, मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ रंग बिरंगा और चमकदार बन जाएगा। एनवायरनमेंट देखो यार तुम लोग, बात करते करते ये पता भी नहीं चला हम लोगों ने लोगों को पीछे छोड़ दिया इस डब्बे की मदद से। टेस्ट ड्राइव ये भी ठीक है, चलो शुरू करें अपना करियर। Nikki's good, just listen to her and I'll stick around and I'll help out, make sure she's not too hard on ya. ध्यान से सुनना, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थ्रो करने वाले हैं लोग। UI बहुत ज़्यादा एपिक है। So, crews are a big part of building a rep in the city. You can bring a wingman into a lot of the races, and believe me, you're gonna want to. There's basically three different skills you're gonna see. Some drivers are blockers, others are drafters, and there's scouts. Right now, I'll be your wingman just to show you. Neville's gonna help out, be our competition for a few laps. First, you need to know how to tell your wingman when it's time to work. They'll just race until you tell them to do more. Try it now. ठीक है. That's it. You got it. Remember, it works the same for blockers and drafters. But scouts are working for you pretty much all the time. Okay, blockers are like Christmas on the road. They don't mind scratching their rides to knock your competition off the track. Let me show you. Alright, let me know when you want me to block Neville. तो इस गेम में हम लोग हमारे दोस्तों को बुला सकते हैं और वो हमारी मदद करेंगे रेस में। तो तीन टाइप के दोस्त हैं हमारे, ब्लॉकर्स, डिफेंडर्स और स्काउट्स। तो अभी हम लोग हमारे ब्लॉकर को बुलाने वाले हैं जो कि एनिमीज़ को नॉक ऑफ कर देगा। निकी को देखो, उसने कैसे हमारे दोस्त को ही टक्कर मार दी। तो ये होता है एक ब्लॉकर का रोल। ये चीज कुछ नहीं है शायद से। ब्रो, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर हम लोगों ने हमारे विंगमैन को एज अ स्काउट बुलाया तो तुम लोग देख रहे हो हमारी स्पीड बढ़ा देगा वो। डैम भाई, मतलब तुम लोग सोच रहे हो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है अभी हमारे जीतने की। हम लोग एक लिटरली बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं हमारे ओपोनेंट्स को ठोकने के लिए। एक स्पीड बूस्टर है हमारा। और अभी थर्ड वाले का रोल समझाएगी शायद ये। Okay. तो स्काउट का ये रोल है कि यार हमें वो पूरे मैप में सारे शॉर्टकट्स बताएगा। इंटरेस्टिंग यार, मतलब तीन ऐसे एलिमेंट्स दे दिए जो कि बहुत क्रूशियल एक रेस को खत्म करने के लिए। Okay.
तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारे रोल समझाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। That's all you need to get started. I'm done wasting my time on you. Later, Neville. Well, guess it's just you and me. Let's go find some trouble. So you've been gone a while. You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. Possible code 6 just flew by me. I'm moving up, see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle. 1044 on my position. Watch this. With your coffee grinder, baby. I got your back. I'll lose. Okay, my friend. नीड फॉर स्पीड का कोई भी गेम बिना पुलिस के बिल्कुल फीका है, नमक के जैसा यार। अगर इसे इंक्लूड नहीं किया तो यार कुछ स्वाद नहीं आएगा तुम्हें। तो इन लोगों ने क्रू सिस्टम डाल के यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है। हम लोग लिटरली एक ब्लॉकर, एक स्पीड बूस्टर और एक रास्ता दिखाने वाले बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं अभी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार ये गेम को मेरे सिस्टम पर रन करवाना भाई, मतलब बहुत ज़िद्दी गेम था, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं दिखा रहा था कि यार ये मेरे सिस्टम पे चलेगा। बहुत ही मुश्किलों के बाद ये गेम शुरू हुआ है और अब मुझे इसको ख़त्म करना है, और वो भी एकदम अच्छे से। हमारा गोलू दोस्त कहाँ पे गया यार, ये करना था मुझे। अब बस कूल डाउन होने का इंतज़ार करना है और फिर हम लोग आज़ाद हैं। और अभी तो तुम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है यार इस गेम में, थोड़ा और रुक जाओ। Hey, we need to meet up. I've given you coordinates to a safe house. Meet me there. Neville का मैसेज आया, वो बंदा हमें सेफ हाउस में मिलेगा। चलो देख लेते हैं हमारा सेफ हाउस कैसा है। लोग अभी एनवायरनमेंट और ड्राइव का मजा लो, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूँ मैं। Gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman, and it looks like I'm in. Let me show you inside. Is Golu ka naam Neville hai? I think abhi hamara first crew member mil chuka hai. Neville has joined your crew. This is the crew management screen. Here you can select crew members to join your races, customize crew members' cars, view crew members' bio videos, fire crew members down to a minimum of 1, and hire new available crew members up to a maximum of 3. इस बंदे की गाड़ी देख लेते हैं यार एक बार, कार ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। लुक्स वाइज तो भाई बहुत ही जहर दिख रही है ये, आई डोंट नो ये कैसे परफॉर्म करेगी, बट आई लव द लुक्स। इस बंदे को अपन अपॉइंट कर देते हैं एज अ ब्लॉकर। तो अभी हम लोग हमारी एक नई टीम बना रहे हैं और उसके लिए हमें लोगो सिलेक्ट करना है, एंड आई थिंक ये वाइपर वाला लोगो बहुत सही दिख रहा है। इसका नाम क्या रखूँ अभी मैं? तो जैसे कि तुम्हें पहले से ही पता है, हम लोग थोड़े ही टाइम में पैलमोंट सिटी पर राज करने ही वाले हैं, तो हमारा नाम फॉर श्योर एम्परर्स होना चाहिए।
ये हम पे ज़्यादा सूट करेगा। This whole city's a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmon City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over their turf.